हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा पहले कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है, मतलब कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा कैसे हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो यदि आपके पास कोई नंबर है, जो कि मान लीजिए ए एक नंबर है और ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट, क्या करना होगा इस प्रिंसिपल के द्वारा कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा कैसे निकालेंगे कि इस ए में से आप माइनस करते जाएंगे रिपीटेडली ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, मतलब कि वन से स्टार्ट करेंगे, पहले ए में से वन माइनस करेंगे, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें से थ्री माइनस करेंगे, फिर कुछ रिजल्ट आएगा उसमें से फिर फाइव माइनस करेंगे, फिर वैसे ही सेवन माइनस करेंगे, फिर नाइन माइनस करेंगे, फिर इलेवन माइनस करेंगे, फिर थर्टीन माइनस करेंगे, डॉट 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 ऐसे ही करते जाएंगे ए में से, जब तक कि ए जो है जीरो ना हो जाए, ठीक है। और जब ये जीरो हो जाएगा तो आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने ऑड नंबर्स हमने इसमें से सेपरेट किया था, और जितने ऑड नंबर सेपरेट किए थे बस वही नंबर, जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सेपरेशन हुआ था, दैट नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए जो होगा वो होता है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम ए टिल इट बिकम्स जीरो, टिल इट बिकम्स जीरो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। मीन्स अंडर रूट ए इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम ए टिल इट बिकम्स जीरो। जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है तब तक हम घटाएंगे, और जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किए हैं, दैट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने मतलब घटाए हैं, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो कैसे फाइंड करेंगे एक्चुअली, मतलब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे ले लेते हैं हम 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें इसका निकालना है क्या, स्क्वायर रूट, ठीक है। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें निकालना है, करना पड़ेगा क्या, 16 लिखिए और 16 में से माइनस करिए 1 पहले, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 15, ठीक है। अब 15 में से माइनस करिए 1 के बाद जो आने वाला ऑड नंबर है वो, तो 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 माइनस करिए 15 में से, मतलब जो रिजल्ट मिलता है उसमें से माइनस करेंगे, ये नहीं कि 16 में से माइनस करेंगे, जो यहाँ से 16 माइनस 1 से 15 मिला, 15 में से माइनस करेंगे 3, तो ये मिलेगा आपको 12। अब 12 में से फिर से माइनस करिए 3 के बाद आने वाला जो ऑड नंबर है वो, मीन्स 5, माइनस करेंगे मिलेगा 7। अब 7 में से माइनस करिए जो 5 के बाद आने वाला ऑड नंबर है वो, मीन्स 7 माइनस करेंगे मतलब 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया ना, मतलब 16 में से कितने ऑड नंबर्स को माइनस किए तो 0 आ गया, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, मीन्स 4 ऑड नंबर्स को हमने माइनस किया तब जाकर 0 आया। देयरफॉर हम कहेंगे कि अंडर रूट 16 जो होगा वो होगा 4। 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 1, 2, 3, 4, हम बस काउंट कर रहे हैं ऑड नंबर्स कितना घटाए हैं जब 0 हो गया है, तो हमारा 4 हो गया आंसर। ठीक ऐसे ही हम आपको दिखाते हैं एक और नंबर का, 36 का, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे 36 ले लेंगे और इसमें से पहले माइनस 1 करेंगे, मतलब पहला ऑड नंबर माइनस करेंगे, मिलेगा हमें 35, उसके बाद 35 में से माइनस करेंगे 3, मिलेगा हमें 32, अब जो है 32 में से माइनस करेंगे 5। देखिए जितने भी ऑड नंबर्स हैं हम सक्सेसफुली क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, 32 में से 5 माइनस करेंगे मिलेगा आपको 27, राइट। अब 27 में से माइनस करेंगे 7 तो मिलेगा आपको 20, ओके, अब 20 में से माइनस करेंगे 7 तो मिलेगा आपको 13, अब 13 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना मिलेगा, 13 में से यदि आप 7 के बाद क्या, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर दो बार 7 को माइनस कर दिया, ओके, अब 20 हो गया यहाँ पर, अब 20 में से क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, तो 20 माइनस अभी 7 के बाद क्या आता है 9 आता है ना ऑड नंबर, तो 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। अब जो है 11 में से माइनस करेंगे 9 के बाद आने वाला ऑड नंबर,
वो क्या होता है, 11 होता है, 0 आ गया। अब हमने देखेंगे कि कितनी बार हमने सबमिट किया है, तो 1 एक बार किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 4, 5, 6 मीन्स 6 टाइम्स हमने क्या किया, माइनस किया। इसका मतलब कि अंडर रूट ऑफ 26 जो होगा वो आपका हो जाएगा ये 6। क्यों 6 हुआ, क्योंकि हमने ऑड नंबर्स जो सबमिट किए हैं इसमें से 36 में थे वो 6 किए हैं, 6 टाइम्स। तो जितनी बार करेंगे वही होगा आपका वो। तो ये बताइए इसमें क्या मतलब अच्छाई है इस मेथड का और क्या बुराई है। अच्छाई ये है कि बहुत सिंपल है ये कोई भी कर लेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। लेकिन ये छोटे नंबर्स को निकालने के लिए बेहतर है, बड़े नंबर्स को निकालने में क्या होगा कि बहुत ही लंबा पड़ जाएगा और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ कन्वीनियंट फॉर स्मॉल नंबर्स ओनली एज इट इज़ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज नंबर्स। क्योंकि लार्ज नंबर्स का बनाएंगे तो बहुत लंबे तक, बहुत देर तक क्या करना पड़ेगा आपको, 8 नंबर्स को सेपरेट करना पड़ेगा और वो करते रह जाएंगे आप। इसीलिए बड़े नंबर्स को निकालने के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। छोटे नंबर्स को निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि आपको निकालना हो स्क्वायर रूट ऑफ 25 या 36 का निकाला हमने, या फिर 49 का निकालना हो, या फिर 64 का निकालना हो, या फिर 100 का निकालना हो, या फिर 121 का निकालना हो, या 169 का निकालना हो, मतलब 500 से नीचे जो नंबर्स हैं उनका यदि निकालना हो ना, तो ये थोड़ा सा सूटेबल है। लेकिन अब मान लीजिए कि ऐसा दे दिया जो कि 1000 से ऊपर जो नंबर है, जैसे कि दे दिया 1024 का निकालो, तब तो आप करते रह जाएंगे। या फिर उससे बड़ा कोई नंबर दे दिया 1331, कोई और बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए दे दिया 4096, तो इसका तो घटाते रह जाएंगे क्योंकि 4096 मतलब कि बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट मेथड हो जाएगा उसके लिए। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल नंबर्स एंड नॉट फॉर लार्ज नंबर्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आप समझ गए हैं कि कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगा तो, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट लिखिए ताकि मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन मिले और मैं और भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।